नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में रिपेयर करना सिखाएंगे। और 160 वाट का एम्पलीफायर है, तो 160 वाट का एम्पलीफायर है तो रिपेयर करना हम सिखाएंगे। तो इस वीडियो में बने रहें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। तो हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने लीड लगाया दोस्तों। लीड लगाने के बाद हम सबसे पहले मीटर को डीसी पे रखेंगे, क्योंकि रिपेयर के लिए सेट है दोस्तों। तो इसमें साउंड नहीं आ रहा है, क्या कारण है, ये सेट हमारे कस्टमर के पास से आया है। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि साउंड क्यों नहीं आ रहा है, तो उसके बारे में हम बताएंगे और समझाएंगे। तो सबसे पहले हमने वोल्टेज चेक करना शुरू करेंगे। सबसे मेन पॉइंट वोल्टेज ही है। अगर थोड़ी सी मीटर डीसी एसी चेक करना आ गया दोस्तों, तो आप भी घर बैठे अपना रिपेयर छोटी मोटी चीज़ घर पे ही कर लेंगे। तो इसलिए हम आपको मीटर भी सामने रखे हैं, इसीलिए कि हम किस जगह और किस स्टेट पे हम चेक कर रहे हैं। तो ये डीसी पॉइंट है, तो आप डीसी पे रखें। तो डीसी हम सबसे पहले हमारा डीसी यहाँ आएगा, तो यहाँ हमने रखा, 22 वोल्ट आ गया। तो दोनों तरफ दोस्तों 30-55 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। तो इस पे वोल्टेज हम बराबर चेक करना है। तो बराबर चेक करने का मतलब है कि वोल्टेज, सबसे पहले बायसिंग वोल्टेज चेक करना है। कहीं ज़्यादा बायसिंग वोल्टेज होने के कारण एम्पलीफायर उड़ा भी सकता है, इसलिए सबसे पहले बायसिंग वोल्टेज चेक करना होता है एम्पलीफायर में। काफ़ी बड़ा सेट है, 160 वाट अच्छे कॉलम चला सकता है ये। तो दोस्तों सबसे पहले हम बायसिंग वोल्टेज सेट किया यहाँ पर। सेट करने के बाद सबसे पहले हमने वोल्टेज को चेक किया। आईपी बोर्ड में भी वोल्टेज आ रहा है यहाँ पे, और प्रीसेट हमने एडजस्ट कर दिया। यहाँ पे जिनर डायोड लगा है, यहाँ पे 8 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे भी जिनर डायोड है, यहाँ पे भी 8 वोल्ट आना चाहिए, ये भी आ रहा है दोस्तों। तो माइक बोर्ड में भी प्रॉपर हमारा वर्क कर रहा है। तो हमारा 7805 से मॉड्यूल ऑन होती है। तो यहाँ पे 7805 वोल्टेज यहाँ पे नहीं बन रहा है, यहाँ पे 21 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं आ रहा दोस्तों, इसलिए साउंड हमारा नहीं आ रहा है। तो अब हमें ये देखना है कि क्या 7805 ख़राब है या ड्राई है। तो मैं इसको बोर्ड को ओपन कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं इस बोर्ड को, आईपी बोर्ड बोलते हैं। 3081 आईपी लगी हुई है इसमें, छोटा ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हैं इसको। तो हम सबसे पहले आईपी बोर्ड खोला। आईपी बोर्ड खोलने के बाद दोस्तों, पहले रिपेयर करने से पहले मेन लीड को ध्यान रखें, मेन लीड ना लगा हो। तो हमने यहाँ पे हल्की सी ये पॉइंट ड्राई नज़र आ रहा है, इसके वजह से यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये सोल्डर ऐसे करने पे पिन को हल्का सा ड्राई हो रहा है। तो यहाँ पे हम सोल्डिंग करेंगे तो हो सकता है 5 वोल्ट हमारा 7805 वोल्टेज पूरा बना देगा। तो हमने इसको पेस्ट लगाया हल्का सा, सोल्डर किया। तो दोनों तरफ हम कर देंगे सोल्डर, ताकि आगे से ये ड्राई फॉल्ट ना बने। तो हम कस्टमर को अच्छी तरीके से सेट को रिपेयर करके और अच्छी तरीके से प्रोवाइड करते हैं, ताकि दोबारा ये फॉल्ट ना आए। तो आप इस वीडियो में देखते रहें। तो अब हम मेन लीड लगाया और सबसे पहले वोल्टेज चेक करेंगे कि 5 वोल्ट बना कि नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे
5 वोल्ट बन गया, उसमें साउंड नहीं आ रहा था। दोस्तों आप वीडियो आखिरी तक देखते रहें तो ये हमारा 5 वोल्ट सप्लाई बन गया, तो 5 वोल्ट से हमारा मॉड्यूल ऑन होता है। तो अब हमने इस कनेक्टर वायर को लगा दिया मॉड्यूल में, स्विच द्वारा पुश किया जाता है, यूएसबी ऑन ऑफ का दिया हुआ, तो इधर मॉड्यूल में लाइट आ गई है। तो दोस्तों हम पेन ड्राइव लगा के और साउंड को सुनेंगे। आपने सुन देखा वीडियो में कि हमने किस तरीके से यहाँ से वोल्टेज चेक करते गया आईपी वोल्ट में। आईपी वोल्ट पे यहाँ 7805 ट्रांजिस्टर लगी हुई है, तो हमारे यहाँ पे 19 वोल्ट तो आ रहा था, उस तरफ को 5 आउटपुट नहीं दे रहा था आउटपुट, तो हमारा साउंड आएगा कैसे जब मॉड्यूल में लाइट नहीं आएगा। तो ये हमारे सेट करीब गुड़गामा साइड से आया है, काफ़ी दूर से सेट आया रिपेयर होने के लिए। तो दोस्तों ये आपने इस वीडियो के माध्यम से अगले बार ऐसी फॉल्ट आए तो आप घर बैठे भी कर सकते हैं, इतनी दूर सेट भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वीडियो अगर अच्छी तरीके से देख लिए होंगे तो हो सकता है कि हमारा सेट या कहीं भी कोई देख रहा हो वीडियो, हमारे प्यारे भाइयों जितने भी देख रहे होंगे, तो अपने आप घर में छोटी सी फॉल्ट कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों अब हमने इसको सारी चीज़ चेक कर लिया, माइक को भी हम चेक कर लेते हैं। हेलो, तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमने आपके सामने 120 वाट के एम्पलीफायर में साउंड की दिक्कत थी, तो हमने साउंड 7805 ड्राइव बन रहा था, तो आपके सामने इस वीडियो में 7805 के जरिए हमने मॉड्यूल में लाइट ले आया और लाइट आने के बाद मॉड्यूल ऑन हो गया, तो साउंड भी चल पड़ी। हमने पेन ड्राइव भी चेक किया और माइक भी चेक कर लिया। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारे वीडियो देखते रहें और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर या सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।